अरे सब आइसक्रीम खाएंगे, इतना एक्साइटमेंट खाने के लिए ना, जितना एक्साइटमेंट अभी आइसक्रीम के लिए। कल जब हम लोग को रोक लिया था वहाँ पर, तो एक दुविधा हो गई थी, बिकॉज द होटल विच वी बुक्ड वाज क्वाइट एक्सपेंसिव और हम लोग श्योर नहीं थे कि हम लोग आज श्रीनगर कल श्रीनगर पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। तो हम लोगों ने सही टाइम पे चेक इन टाइम पे होटल कैंसिल करा दिया और दूसरा होटल बुक करने के लिए हमने बोला कि जैसे हम लोग को अलाउ करेंगे हम लोग जवाहर टनल क्रॉस करेंगे, दैट टाइम विल मेक अ कॉल। जवाहर टनल क्रॉस करने के बाद फटाक से वी बुक्ड दिस होटल, ये होटल अवेलेबल था बिकॉज क्या है विंटर में, एक बार समर में आपको श्रीनगर खाली मिल जाएगा, कोई भी होटल मिल जाएगा, लेकिन विंटर में होटल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्या भाई, गुड मॉर्निंग। हो रूम से बाहर निकलो, क्या ठंडा है। रूम में हीटर ऑन रहता है ना तो अपन एकदम नॉर्मल कपड़े में रह सकते हैं, रात को तो बाहर आना, यहाँ पर आना ही ऐसे बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तो फटाक से अंदर हो, बाहर वहाँ से भाग के निकल जाओ। तो बाइक शायद यहाँ से दिख जाएगी, ये वो रही वो दिख रहा है वो आदमी, अच्छा बाइक हो गया। ये जो हम होटल में ठहरे इसका नाम है सोलार रेजिडेंसी, अगर आप श्रीनगर आ रहे हो दिस इज़ अ वेरी गुड होटल टू स्टे, मोस्टली यहाँ सब फैमिलीज ठहरती हैं। ये देखो अच्छा होटल है, वेरी नाइस। पार्किंग भी एक्सक्लूसिव है बाइक के लिए, हाँ ऐसा कि बिल्कुल सामने बाइक के लिए अलग पार्किंग, गाड़ी के लिए अलग पार्किंग। लोग बहुत अच्छे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर लोग ही अच्छे ना हो तो आप सेवन स्टार में रहकर भी क्या करोगे। लोग अच्छे हैं, दे ट्रीट अस वेरी वेल। दिल्ली का एग्जांपल है ना, एक्चुअली दिल्ली के बाद हम लोग को सब अच्छा अच्छा मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है। गलत हुआ दिल्ली में, थोड़ा बेइज्जती हो गई थी भाई, क्या मत लगाओ भाई, वहाँ लगाओ ये तो लग रहा है स्कूल हॉस्टल सर, पैसे दिए मैंने आपको ऐसे क्या ट्रीट कर रहा हूँ। किसी का मूड खराब रहता है, अभी जाना सिर्फ 12 किलोमीटर ही है, लेकिन उसके लिए पूरा ड्रेस होना पड़ेगा, वो बहुत त्रास आता है। कहाँ सब गाड़ी आती सब डालते पर निकल जाते, बट कोई नहीं, इसमें भी अलग फन है। तो अपना चेक इन है 2 बजे, राइट नाउ इट्स 1:20। कहाँ जा रहे हैं अपन, ताज विमान था। जब मैं अपनी मम्मी डैडी के साथ बसों में ट्रैवल करता था तो मुझे याद है कुल्लू या मनाली में मैं ऐसे कुछ होटल में रहता था। दिस इज अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड होटल, अगर हमारा वहाँ बुकिंग नहीं होती हम तो यहीं एक्सटेंड कर लेते। मैंने उनको बोला यार आपका होटल इतना अच्छा है कि हम फ्यूचर में कभी राइड करेंगे तो यहाँ रुकने की जरूर कोशिश करेंगे। और बाइक अभी हमारी गर्म हो चुकी है, राइट नाउ इट्स 12 डिग्री सेल्सियस ओवर हियर, परफेक्ट वेदर, ज़्यादा हार्ड सनलाइट भी नहीं है और अभी लास्ट बजे तक यहाँ पर स्नो थी। ये थोड़ा अपन बंद कर देते हैं, हो गया अपना बाइक गर्म, ऑलरेडी रेडी टू गो टू 12 किलोमीटर्स। सुबह सुबह इधर वर्कआउट ही होता है, मेरे बाइक को टहल लेना सब लेना। मैडम जी, अरे कभी क्या होता है बाइक लोडेड रहती है ना तो समझ में नहीं आता है कि सही जगह पे खड़ी की कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि ये स्टैंड, और बहुत सारे लोग न्यूट्रल में खड़ी करते हैं, कभी भी न्यूट्रल में नहीं फर्स्ट गियर में खड़ी करो कि इनकेस अगर बाइक थोड़ा रोल भी हो तो अटक जाए। चले चलो बेबी चल, एक मिनट मेरे को, बहुत ही लंबा राइड के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। नहीं ना, 12 किलोमीटर जाना है भाई साहब, 12 किलोमीटर। शाबाश, अरे देखो देखा भाई साइड आती है तो बहुत चांस है इधर गिरने का, इसलिए मैं इधर खड़ा रहता हूँ। मेरा पैर पहुँचता नीचे तक। 20 मिनट्स फटफट हो जाएगा अपना ये सब। चलो सर बाय, बहुत अच्छे लोग हैं। तो अभी हम जो यहाँ रह रहे हैं ना प्रॉपर मार्केट एरिया में, तो थोड़ा बहुत यार लाल दिखा रहा है, थोड़ा लाल बाइक के लिए लाल नहीं है, वो नॉर्मल गाड़ियों के लिए लाल है, काफ़ी लोग इधर। और ये जो यहाँ मार्केट है ना 24/7 है, 24/7 लिखा है। हम लोग रात को यहीं से कुछ लेके आए थोड़ा बहुत, ये अच्छा जगह है, मतलब सोचो ना आते हो यहाँ पे आपको बाजू में 24/7 मिल रहा है, तो आपको रात को कुछ भी चाहिए वो आपको मिल जाएगा। थोड़ा हीटर चालू कर देता हूँ मैं, बस मैंने ग्लव्स नहीं पहने, मतलब क्या अभी 9 किलोमीटर के लिए ग्लव्स पहनूँ यार। ये टाइम पे आने का जो मज़ा है ना बॉस, ये ऐसा आपको समर में फील नहीं आएगा। समर में काफ़ी ब्राइट होता है, देखिएगा ऑफकोर्स ऐसा ही, लेकिन वो फील नहीं आता। फील के लिए आपको थोड़ा बहुत विंटर में आना पड़ेगा। अभी फेब 10 तक यहाँ पर बर्फ़ थी, अभी जो बर्फ़ चली गई है ऑफकोर्स हमको गुलमर्ग में मिलेगी, लेकिन गुलमर्ग जाने का भी प्लानिंग है बट वहाँ पर एज़ यूजुअल होटल नहीं मिल रहे हैं, अगर मिलेगा तो जाएंगे। कौन फ़ोन कर रहा है अभी, यहाँ पर दिसंबर जैन में आने का सीन क्या और फेब में आने का सीन क्या है कि बर्फ़ रहती है, तो ऑल तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे, लेकिन आप बाहर इस तरह घूम नहीं पाओगे बिकॉज हर जगह बर्फ़ रहती है। तो जो विजुअल्स आपको अभी दिख रहे हैं वैसे विजुअल्स आपको नहीं दिखेंगे, आपको सब कुछ वाइट दिखेगा। और ये सामने आ गया हमारा बिलवेट डल लेक। डल लेक पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा साफ सुथरा और भरा हुआ सा लग रहा है, और फाउंटेन वाउंटेन सब चालू है इधर। आप ये समर में आओ पता नहीं कुछ अजीब सा दिखता है, और यहाँ पर इतने सारे लोग होते हैं समर में। अभी देखो, ओहो भाई ये इसमें चिकारा में बैठने गया, शिकारा चिकारा बोल दिया, डॉग जो है रेस कर रहा है। अरे भाई भाग गया वो, ऐसा निकला ना अपने गुफा से, मेरे को लगा आज तो खा जाएगा मेरा पैर, मैं डर गया। और अभी हम लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं, ड्राइवर हो भाई देखो कितना मस्त स्टीप टर्न है, तो फटती यहाँ पर ये कोई हमारे कोई शो पे जैसा ड्राइवर ना आ जाए सामने से। बस हम लोग लास्ट ईयर थे लंदन में, एडिनब्रो लंदन सब घूम रहे थे, स्कॉटलैंड अभी तो उससे भी अच्छी जगह पे आ गए हम लोग।
ये खोल दिया इसने, इसको कैसे मालूम पड़ गया, सीसीटीवी कैमरे में देख लिया रहेगा इसने। अरे बाप रे, अभी हमारा क्या चेक करेगा, ये पूरे डब्बे पब्बे खोलने पड़ेंगे। और ये हम आ गए, बड़ा अच्छा लग रहा है कि अभी सब सामान निकालेंगे। मैंने बोला यार इतना अच्छा होटल है, हमको अच्छी पार्किंग भी दे दो, वहाँ पार्किंग मिल रही थी, मतलब थोड़ा नज़दीक दे दोगे तो गेस्ट भी इंजॉय करेंगे बाइक को देखने के लिए। एंड बाय द वे बहुत लोग मुझे सनग्लासेस के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैंने आईवेयर लैब को स्पेशल रिक्वेस्ट किया था, जो पर्पल लेंस चश्मा मुझे बहुत पसंद है, वाइट फ्रेम में मुझे पर्पल लेंस लगा के दो, उन्होंने मुझे दिया। सो ये फिलहाल तो अभी एक ही है जो कि मेरे पास है, तो जब अवेलेबल होगा मैं आप लोगों को बोल दूंगा कि कभी आएगा। और ये मैंने लिटरली राइड पे अनबॉक्स किया था, ये देखो पूरा अभी भूसा इधर ही है। नेवर थ्रो योर वेस्ट एनीवेयर, संभल के रखने का। ये स्पेशल ग्लासेस के लिए लिया है, तो ये अपना पर्पल के लिए और राइट वाला अपने ग्रीन ग्लासेस के लिए। ये निकाल दूंगा इनकेस आप पार्क बाइक देखो तो निकाल मत देना, ये अभी मैं बैग में रखूंगा अपने। मैं और शोभित एक ही रास्ते से आए, एक ही टाइम पे आए, अभी डिफरेंस देखो, ये मेरी बाइक कुछ ऐसी दिख रही है और ये शोभित की बाइक देखो। शोभित की बाइक थोड़ी गंदी लग रही होगी बिकॉज ये ब्लैक कलर है, लेकिन एक और डिफरेंस देखो, शोभित की लाइट्स देखो ये पूरी कीचड़ से बनी पड़ी है और मेरी लाइट जो काफ़ी क्लीन है, इस बिकॉज जो मैंने फ्रेम लगाया है उसकी वजह से लाइट थोड़ी ऊपर रहती है, भरा हुआ वो तेरा यहाँ से कीचड़ निकल रही थी ऊपर, पता नहीं कहाँ से आया। प्रॉब्लम ये थोड़ी ऊंची है ना, थोड़ी इतनी सी ऊंची है, उसके वजह से बच गया मैं। बट यार यहाँ पर है ना रोड ट्रिप करके आने में एक मजा है अलग, फ्लाइट में भी आने में मजा है, नो ऑफेंस टू पीपल हु कांट डू अ रोड ट्रिप, लेकिन फ्लाइट में तो इतना मजा नहीं आता ना। अभी वो जो अचीवमेंट फील हो रही है ना, तो मैं अभी आपको पूरा सीन बताता हूँ क्या हुआ कि यहाँ पर आने का जो पूरा प्लान था वो शानेज ने किया। इसके बाद गुलमर्ग में भी कुछ तो एक सरप्राइज है, मुझे बोल रही, मुझे अभी तक नहीं पता, बोलती हनीमून गिफ्ट है तेरे लिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ पर जो मेरा फ्रेंड है रिजवान सुमेरा, वो भी आने वाले हैं सेम टाइम। तो मतलब ये जो दो लड़कियों की पूरी प्लानिंग हो गई थी कि हम सेम टाइम इसकी वी हैव टू रीच देयर बाय फिफ्थ नाइट, मतलब शानेज रिलीज क्या नहीं, वी हैव टू रीच बाय फिफ्थ नाइट, अब समझ में आएगी कैसे। बट आई एम सो ग्लैड, जब से ट्रिप शुरू की मुझे ये करना था, चेयर्स कश्मीरी कावा का, वो भी विंटर में, हम लोग हमेशा समर में आए हैं और कश्मीरी कावा का चेयर्स किया है, ले जाना पड़ता था वो एक्सपीरियंस करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली 2019 में ले भी काफ़ी गर्म था बहुत, तो ये जो अभी हम लोग को वेदर मिल रहा है इसके लिए पहलगाम खड़दुंगला तांगलांगला का जाना पड़ता था अभी। सो गुड राइट, अलग ही फील है। अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट श्रीनगर में और गुलमर्ग में कल जो है बारिश होने वाली, मतलब संडे को बारिश होने वाली है। और यहाँ मौसम देखो बनना शुरू हो गया, श्रीनगर में बारिश होगी लेकिन गुलमर्ग में बारिश नहीं, बर्फ होगी। सया किसको बोलते हैं टाइमिंग यार, अपन पूरा दल लेक को देख रहे हैं यहाँ से, पूरा ऊपर से दिखता है दल लेक देखो। और अभी हम अपने रूम में एंटर करने वाले हैं जो कि ऑफ कोर्स हमेशा दिखाना पड़ता है। लेट्स सी द फर्स्ट इंप्रेशन, ओह माय गॉड, दिस इज अ बिग रूम, थैंक यू सो मच शानेज, एंड देयर इज अ बालकनी, कैन यू ओपन द बालकनी फॉर मी, एंड ओह ओह अगर यहाँ प्रॉपर विंटर में आए जब बर्फ गिरती है शानदार, वो खोलेंगे तो आता है ना व्यू ऐसा, फुल रील्स और टिकटॉक में दिखाते रहते हैं। सो वेरी मच शानदार फॉर गिविंग मी दिस अमेजिंग सरप्राइज, बीवी हो तो ऐसी। ओहो देयर इज अ जकूज़ी इनसाइड द रूम, अरे ये क्या मिलता है कैसे आके होती है वाइफ, नहाने के बाद भी पति को परफ्यूम और डियो लगाती है, ठंडा है बहुत ठंडा है। हमारी मोहतरमा ने हमें 15 मिनट पहले मैसेज किया था, प्लीज कम फास्ट, आई एम हंगली, यू रियली हंगरी, 15 मिनट से शोभित के लिए रुके थे ना कब से, शोभित सीधा रेस्टोरेंट में मिल रहा है। नाउ द आइडिया ऑफ स्विमिंग इन दिस काइंड ऑफ वेदर साउंड वेरी स्टूपिड, लेकिन इन लोग का हीटेड स्विमिंग पूल है और हम सबका प्लान था कि स्विमिंग करेंगे, लेकिन एज यू कैन सी माफी मुश्किल है वाटर बिकॉज यहाँ पर इतनी ठंडी पड़ी थी, ये देखो क्रैक्स हो गए थे तो ये पूरा रिपेयर हो रहा है, तो हम लोग को स्विमिंग पूल में जाने का मौका नहीं मिलेगा, वैसे मुझे जाना नहीं था, गुलमर्ग में ट्राई करेंगे अगर हम सबको सेम होटल मिला तो, बिकॉज वहाँ का होटल का सर्च अभी भी जारी है। ये क्या लिखा है भाई, 2019 का वाटर टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस, अच्छा मतलब अगर स्विमिंग करना है तो 2020 में तो जो कोई आया नहीं रहेगा सीधा, लास्ट डेट 2019 स्टॉप्ड। आफ्टर कावा वी आर हैविंग अ स्पेशल जिंजर मैरिनेट टी, या खाना ऑर्डर करने का थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि तो खाना फ्रेश बन के आता है, आधा घंटा, ऐसी सब जगह पे ये सब पीने का जो स्वाद है ना आई थिंक 10 times बढ़ जाता है। क्या हाल अब आएगा धमाल मस्ती, टू लाउड रश महंगी होटल में भाई, शांति कतार वैसे दी होटल नहीं, अरे ये याद है कि नहीं भाई यार, ओ बाप रे बाप, ये पता है जो ग्लव्स का है ये हम लोग को कतार वैसे देता था विंटर में पहनने के लिए, मेरे पास भी है। अभी डिसीजन ये लिया गया कि हम लोग बाहर जरा एक थोड़ा राउंड मार के आएंगे, प्रॉब्ली वी गोइंग टू द लेक, नियर द लेक शिकारा, वहाँ पर कुछ चाय कॉफ़ी पियेंगे, मौसम बहुत अच्छा है। अभी कितने बज रहे हैं क्योंकि सनसेट तो 6:30 को हो जाता है,
भाई पता, डेढ़ घंटा है हमारे पास अंधेरा होने का, ठंडा हो जाएगा ना, एंड अगर खुदा ना खास्ता बारिश हो गई तो भाई साहब भाग के आना पड़ेगा क्योंकि बीमार नहीं पड़ना है इधर बिल्कुल भी नहीं। और प्लीज़ कोई इसको बोलो कि ये ख़राब नहीं लग रही है, मैं इसको बोल के थक गया, लुकिंग ब्यूटीफुल एंड विद द, देखो चश्मा निकाल दिया इसने, नहीं मैं चश्मा नहीं पी लूँगी कैमरे के सामने, बताओ प्लीज़ दिल से बोलो क्या ख़राब लग रही है, क्या ख़राब लग रही है, नहीं लग रही ना यार। डरती क्यों है? आप जब शिकार लोगे तो ये जो बोर्ड गई पीछे या सेल्समैन है या आएंगे आपको ज्वेलरी बेचने की कोशिश करेंगे, हुक्का है हुक्का ले सकते हो आप, अगर आपको पसंद है आप ले सकते हो, बार्गेन ऑब्वियसली कट करना पड़ेगा किधर भी हो, लेकिन विदाउट बार्गेन नहीं चलता। जब हम 2019 में आए थे तो पानी जो है इतना साफ नहीं लग रहा था, और साफ सफाई की बात की होती बॉटल तैर रही है, बट काफ़ी बेटर है वो टाइम, क्लीन भी कर रहे थे प्रॉब्लम 2020 में उन्होंने लेक क्लीन किया होगा, और वो हवा में ताजगी भी फील हो रही है। देखो ना पानी कितना साफ लग रहा है, इतना साफ नहीं लग रहा था, थोड़ा बहुत ग्रीन टाइप लग रहा था जो इस बार बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मुझे लगता है वो समर टूरिस्ट गंदा करते रहेंगे, विंटर टूरिस्ट, ओके विंटर से शुरू होता है, समर में गंदा होता है और बाद में समर के एंड में क्लीन होता है, बाद में विंटर से शुरू होता है, लेकिन समर में आपने गंदा देखा विंटर में तो नहीं देखा बस, बट यार टूरिस्ट ही गंदा करते हैं। अगर आप यहाँ आ रहे हो गाइस प्लीज़ यार सब तो गंदा मत करो, कितनी खूबसूरत चीज़ है तो साफ रहने दो ना, अभी यही तो जगह रह गई अच्छे से आने के लिए, मतलब इंडिया में बहुत सारी जगह है लेकिन दिस वन ऑफ द प्लेसेस जो कि ईजिली एक्सेसिबल है, और यार एक अलग ही वाइब आती है इसमें, उसको गंदा मत करो और एक मैसेज पहुंचाओ सब लोगों तक कि गंदा नहीं करना, क्योंकि हमारे यहाँ इसलिए इतना गंदा होता है कि इंडियन टूरिस्ट स्नैकिंग में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। शिकारा शॉपिंग चल रही है ये वाली, और शान इसको मैजिक बॉक्स पसंद आया वही देख रहे हैं, ओह ये इंटरेस्टिंग है, ये शायद लिया जाएगा पता नहीं, प्रॉब्लम है मोटरसाइकिल पे आए अगेन, ये ऐसे ऐसे ये बंद हो जाएगा, मोटरसाइकिल का ही प्रॉब्लम है सर, जरूर ले लेते लेकिन अभी क्या करें, एक एक ग्राम वजन भारी पड़ेगा। नहीं सर ये 400 to 600, आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है, नहीं देखा किसी और का वीडियो देखा है तो बता देता हूँ कि ये जगह है, यहाँ पर मिशन कश्मीर की शूटिंग हुई थी, पीछे एक वाला बोर्ड गया है यहाँ पर संजय ने जब मारा था ना ब्लास्ट होता है वो वाला जगह, यहाँ फिर से बोलूँगा जगह अभी, और लास्ट टाइम से काफ़ी साफ लग रही जगह, ये सब हाउस बोट्स हैं आप यहाँ पर रह भी सकते हो इफ़ यू वॉन्ट अ नाइट ओवर नाइट, I would not prefer it. 3000 रुपए के आसपास स्टार्ट हो जाता है, वैसे पहले 1200 से स्टार्ट हुआ, 3000 अच्छा। हेलो बाय बाय, अभी हम दोनों की बोट पैरेलल चल रही है, पापा आर नॉट एंजॉयिंग विद यू ऑन कैमरा, यू नॉट एंजॉयिंग, यू आर एंजॉयिंग विद यू नॉट विद हिम, ओह माय गॉड व्हाट इज दिस रिजल्ट, बोरिंग बापू इज बोरिंग, I know Papu, I told him to get for you, red chips, na? He said no, one is more he than enough. He wants green chips. I got you red chips, na? But what if you don't feel hungry after this? You will. Papu did something really wrong, ha, beta, you come and you sleep with me. कल जब हम लोग होटल आए थे 60 डिग्री में तब इतनी ठंड नहीं लग रही थी जितनी आज लग रही है, आज बहुत लग रही है पता नहीं क्यों, देखो लिटरली ये पकड़ के ही अभी और थोड़ी देर रिजवान ने अंदर ही डाल लिए थे, मैं ग्लव्स पहन के आ रहे थे यार, इतना भी नहीं है एक्चुअली यार, रिजवान मुंबई से जब फ्लाइट लेके हम लोग धीरे 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 तो हमने अक्लेमेटाइज किया, ओह ये गर्म मेरे पैड्स गर्म होना शुरू हो गए, मैंने वो डाला है अंदर वो हीटेड पैड, देखो मेरा बटन इधर है, हाँ हाँ छोड़ दे छोड़ दे इसको छोड़ दे चल निकलते, अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए, मुझे पता होता है इतनी जल्दी जाएंगे तो मैं अभी मैंने सैंडविच खा लिया और चाय कॉफ़ी पी लिया यार, मेरे वो हीटेड पैड जो मैंने लिए थे वो अंदर डाल दिए और काम करना शुरू कर दिए, इसका बटन देखो इधर है ये एकदम ये लाल बटन दिख रहा है आपको, जब तक लाल रहेगा तब तक मेरा जैकेट के अंदर गर्मी रहेगी, और अभी क्या एम्बियंस बन गया यहाँ का, सब लोग मिलकर अभी बाहर जा रहे हैं, एक नंबर मज़ा आ रहा है बॉस, आशा करता हूँ आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड इतनी ठंडी लेकिन मुझे भाप नहीं निकल रहा, जब तो भाप नहीं निकले ना मुंबई में तो 18-19 डिग्री में बहुत भाप निकलता है, वो क्यों निकलता है मुझे पता है, अभी साइंटिफिकल एक्सप्लेनेशन मत देना बस बोल रहा हूँ मैं, लेकिन एक कॉमेंट जो मेरे दिल को छू जाता है जब आप लोग करते हो कि थैंक यू निखिल कि जब ट्रैवल करते हो अब इस तरह वीडियो बनाते हो कि हमको भी लगता है कि घर बैठे बैठे हम ट्रैवल कर रहे हो, जहाँ निखिल जा रहा है वहाँ का एक्सपीरियंस मिलता है, जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है रिजवान कि तूने हमको हमारी गाड़ी में जगह दी इधर ही हो आप लोग, उसकी जान तो आदि तीन लोग में अटकी है हाँ। और सबको बाहर खाना था आज इमरान में आए हम लोग, इधर मेरा तो पेट भरा हुआ है फिर भी हल्का फुल्का ट्राई कर ही लेंगे हम लोग, इधर खा के तो हो गया, मैंने नहीं खाया बाकी सबने खाया, लेकिन आइसक्रीम खाने का मन है, आइसक्रीम आइसक्रीम एक
बट ऐसा अरे सब आइसक्रीम खाएंगे इतना एक्साइटमेंट खाने के लिए ना जितना एक्साइटमेंट अभी आइसक्रीम के लिए जब बचपन में कुल होता था मेरे डैडी मुझे आइसक्रीम लाते थे ये भाई साहब आइसक्रीम पे आइसक्रीम आई जा रही है पीछे भी आइसक्रीम खा रहे हैं आगे आइसक्रीम खा रहे हैं शोभित की तीसरी चौथी हां नहीं नहीं मैंने तो दुकान खा ली अच्छा तो मशीन भी मेरे हम सबकी आइसक्रीम शोभित ही खाने वाले हैं बस हमसे उतरने वाली है और ये आ गए हैप्पी सिंह क्या बात हैप्पी इज लाइक फुल जिंदा आज देखने के लिए आए आइसक्रीम कंप्लीट है इसकी आंखें देखो यार ये मैं ये इसके लिए बोल रहा था मेरे साथ चलो आराम से चलो नॉन स्टॉप रेडी हमारी दाल रोटी भी तो चलनी चाहिए ना अरे तो नॉन स्टॉप ठंडी में 25 घंटा क्यों चलाने का अभी ऐसा घुस जाओ उसके अंदर ऐसा नहीं ठंडी भी नहीं है एंड स्लीप राजस्थान फील होता है कोल्ड एनीवेज हबीब भाई यू स्लीप एंड गुड नाइट आई फील लाइक यू शुड जस्ट स्लीप फॉर 14 आवर्स जस्ट गो टू एनीवेज गाइस आज के लिए बस ये वीडियो यहीं पर रखते हैं हमारी रात खत्म नहीं हुई अभी दूसरे रूम में जाके हम लोग सब गप्पे शप्पे मारेंगे एंड देन फिर आराम से सोएंगे तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस व्लॉग टिल हियर ये व्लॉग अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक बटन नए हो सब्सक्राइब करो विद दिस एज ऑलवेज शुक्रिया अलविदा मा सलामा टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट आई लव यू फ्रेंड्स मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार व्लॉग में शब खैर एडियोस अमिगोस क्या सीरी पे ऐसे ही